दोस्तों, खाना बनाने के कुछ छोटे छोटे टिप्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारा खाना औरों से अलग बनता है। साथ ही अगर किचन में कोई चीज वेस्ट हो रही है तो भी हम उसका सही समय पे उपयोग करके, सही तरीके से उपयोग करके अपनी चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि घर पे गेस्ट आने वाले हैं और हम खुशी खुशी में ढेर सारे पकोड़े वगैरह तल कर रख लेते हैं और एंड टाइम पे हमें पता चलता है कि गेस्ट तो आ नहीं रहे हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पकोड़े इतने ज्यादा होते हैं कि गेस्ट के और घर वालों के खाने के बाद भी कुछ पकोड़े बच ही जाते हैं। अब पकौड़े ना ही फेंकते बनते हैं ना ही खाते बनते हैं। तो इस टाइम पर हम पकौड़ों का क्या करें, क्या ऐसा यूज करें कि घर वाले उनको जो है एकदम उंगलियां चाट चाट कर खाएं, और इनका क्या ऐसा इस्तेमाल करें कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आए। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी, आसान सी, शानदार सी टिप बताती हूँ बचे हुए पकौड़ों के लेकर। कभी कभी कढ़ी के लिए पकौड़े जब हम बनाते हैं या फिर प्याज वाले पकौड़े ही तलते हैं तो पकौड़े हमारे बच जाते हैं। उस टाइम पर आप क्या करें, आप कोई हरी चटनी ले लें या फिर आप ये ग्रीन पेस्ट रेडी कर सकते हैं, पुदीना, धनिया, मिर्ची वगैरह को डालकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, भुने जीरे का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला होता है, या फिर आपके पास अगर फ्रिज में पानी पूरी का मसाला रखा है तो इस टाइप के कुछ मसाले होते हैं जो चटपटा करते हैं पानी को, वो आप यहाँ पर ऐड कर लें। यहाँ पर जो भी चीजें आपके किचन में हो आप ऐड कर लें। कोई मीठी चटनी हो तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप टोमेटो केचप का भी यूज कर सकते हैं। नींबू का जूस तो होता ही है, मतलब नींबू से जूस निकाल कर डाल सकते हैं। प्याज खाते हो तो थोड़े से बारीक कटी प्याज डाल दें, थोड़े से बारीक कटे हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दें, और ये सारे चीज मिलाकर बनेगा एक बहुत ही चटपटा सा पानी। और जब हमारा ये चटपटा सा पानी रेडी हो जाए तब आप क्या करें, हमको करना यह है कि इन लेफ्ट ओवर पकौड़ों को हम यहाँ पर इस पानी में ऐड करेंगे। पानी में ऐड करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट इन पकौड़ों को ऐसे ही छोड़ना है। ध्यान रखना है कि पकौड़ों को कोई गर्म ठंडे का इशू नहीं है। दोस्तों, आपको सिर्फ जो पकौड़े बचे हैं उनको पानी में ऐड करना है। 10 से 15 मिनट बाद आप इन पकौड़ों को पानी समेत सर्व करिए। आप देखिएगा घर वाले जो है चम्मच कटोरियां चाट चाट कर यही पकौड़े खाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बचे हुए पकौड़ों से ये रेसिपी बनाई है। तो ये रेसिपी एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से। पकोड़े चाहे प्याज वाले हो चाहे सिंपल हो, किसी भी तरह के पकोड़े आप यहाँ पर इस तरह से पानी में डालकर सर्व कर सकते हैं। और ये जो है पानी वाले पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, अमेजिंग लगते हैं। जबान खराब हो तो भी आप ये पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। ये आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, तो मार्केट में मेथी आने लगी है। मेथी आने की जब शुरुआत होती है तो घर में पराठे बनने की भी शुरुआत हो जाती है। मेथी के पराठे हर घर में हर किसी को पसंद होते हैं। आप में से कितनों को पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको मेथी के पराठे बनाने का एक सिंपल और नायाब सा तरीका बताने जा रही हूँ कि आपको मेथी के पत्तों को वॉश करने के बाद कढ़ाई में इस तरह से पका लेना है। पकाने से होगा ये कि मेथी की जो कड़वाहट है वो दब जाती है। इस टाइम पर मेथी मेथी में आप थोड़ा सा नमक, मतलब हल्का सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और पानी के साथ ही मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा पका लें। पानी जैसे ही इसका थोड़ा सा पक जाएगा, मेथी हमारी हल्की सी ड्राई हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि मेथी की कड़वाहट कम हो गई है। मेथी की क्वांटिटी कम होने से आटे में इसे जो है मिक्स करना आसान हो जाता है। और जब हम कच्चे पत्तों को आटे में गूंदने की कोशिश करते हैं तो आटा जो है उतना सॉफ्ट भी नहीं होता और पराठे भी थोड़े कड़क से बनते हैं। तो इस तरह से इसके बाद जब आपकी मेथी पक जाए तो आप इसमें अपने मन चाहे मसाले ऐड करें, कुछ अजवाइन, नमक, मिर्ची वगैरह ऐड करें, और फिर उसके बाद से जितना आटा ये सोख सकता है मेथी उतना ही आटा आपको ऐड करना है। बहुत ज्यादा आटा नहीं ऐड करना है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर आधा किलो मेथी को तैयार किया है तो इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 कप या 2 कप ही आटा मिक्स करूंगी। आप देख रहे हैं मैं आटा थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। उतना ही आटा हम डालेंगे जितने की इस मेथी में, मेथी के पानी के साथ हम एक सॉफ्ट आटा पराठे का तैयार कर सके। पराठे का आटा तैयार करने के बाद आप उसे बस 2 से 3 मिनट छोड़ सकते हैं और फिर जैसे चाहे वैसे पराठे बनाए, तिकोने बनाए, चौकोर बनाए, गोल पराठे बनाए, जैसे भी बनाए, आप हर बार जब भी पराठे को खोल कर देखेंगे आपको यही लगेगा कि पराठे को स्टफ करके बनाया गया है, क्योंकि इतनी बढ़िया तरीके से मेथी जो है इसमें दिखती है इस तरह के पराठों में दोस्तों, कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मेथी के इस तरह से आटे में गूंथे हुए पराठे खा रहे हैं। आपके घर में गेस्ट भी आएंगे तो वो भी देखकर जान नहीं पाएंगे कि आपने पराठों को इस तरह से स्टफ करके बनाया है या फिर किस तरीके से बनाया है। तो बस उसके बाद से आप बटर या घी या तेल जो भी यूज करते हैं पराठों को सेक लीजिए। पराठों को सर्व कर सकते हैं आप टमाटर की चटनी, हरी चटनी या दही के साथ। बहुत ही टेस्टी इस तरह से अमेजिंग मेथी के पराठे बनकर तैयार होते हैं। आई होप आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। टिप पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी आपके घर में दोस्तों पराठा या पूड़ी बनते हैं तो आपके भी घर में आलू टमाटर की सब्जी की याद तो आती ही होगी। आप लोग भी बनाते होंगे,
बहुत सारे तरीके होते हैं आलू टमाटर की सब्जी बनाने के। मैं यहाँ पर आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप बताने जा रही हूँ, एक छोटा सा ट्विस्ट आपको करना है इस आलू टमाटर की सब्जी में, फिर देखेंगे कि हमारी आलू टमाटर की सब्जी जो है कैसे आपको देगी बिल्कुल हलवाइयों वाला स्वाद। और कुछ एक सीक्रेट इंग्रीडियंट्स के साथ जब हम ये सब्जी बनाएंगे तो आपके घर वाले खाते के खाते ही रह जाएंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है सब्जी एकदम टेम्पटिंग दिख रही है, यम्मी दिख रही है, चलिए मैं भी बताती हूँ कि मैं सब्जी कैसे बनाती हूँ। आपके साथ मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, मेरे जो एक दो सिंपल ट्रिक हैं, जो सीक्रेट ट्रिप्स हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पर इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जब आलू टमाटर की सब्जी बनाएं तो आपको पता ही है कि आलू तो उबाल नहीं होते हैं, उसके साथ ही साथ आपको टमाटर भी बॉयल करने हैं। जी हाँ, गर्म पानी में टमाटर को 5 मिनट छोड़ दीजिए और टमाटर के छिलके उतार कर फिर आप इनको हल्का हल्का इस तरह से बस स्पून से ही काट सकते हैं या फिर नाइफ से काट सकते हैं। इनको ध्यान रखें प्यूरी नहीं बनाना है दोस्तों, मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं चलाना है, मिक्सी में चलाते ही ये सब्जी बिल्कुल आम सब्जियों वाला स्वाद देगी। इस तरह से टमाटर के मोटे मोटे रफली चॉप पीसेस कर दें और उसके बाद से जैसे भी आप तेल में सब्जी का तड़का लगाते हो, चाहे जिस चीज से, जीरे से, राई से, धनिया से, नो मैटर्स, आप जो है अपने तरीके से यहाँ पर तड़का लगाइए। और उसके बाद से जब आपका ये तड़का तैयार हो जाए फिर आपको यहाँ पर देना है एक छोटा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट ये कि यहीं पर इस तड़के के जस्ट बाद आपको ये थोड़े से रफली चॉप किए हुए टमाटर को ऐड करना है और उसके बाद से आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैशर से मैश कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि अभी हमें मसाले नहीं ऐड करने हैं, टमाटर को पहले हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ऑयल ना ओज आउट करने लगे। और जब ये टमाटर हमारा फ्राई हो जाए तभी इसके बाद से हम यहाँ पर डालेंगे अपने मसाले। मसाले जो है आप डाल सकते हैं एक साथ या फिर आप टुकड़ों में भी डाल सकते हैं। मसाले डालने के बाद फिर इसको आप ढककर पका लीजिए और फिर जैसे भी हम लोग बॉयल आलू वगैरह डालते हैं वो आप डालकर इस सब्जी को बनाइए। बनाते समय लास्ट में बनाने के बाद आपको जो ट्रिक फॉलो करनी है, आगे एक और ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ, वो भी आप देख लीजिए कि मैं क्या ट्रिक फॉलो करती हूँ। जब आपके मसाले ये सब अच्छे से फ्राई हो जाए, जिस तरह से ऑयल उज आउट हो रहा है उतना ऑयल उज आउट हो जाए तभी समझिए कि मसाले पककर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि मसालों का दरदरा होना बहुत जरूरी होता है। जब मसाले बर्तन का दीवार छोड़ने लगे, थोड़े से दरदरे होने लगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेवी का पानी ऐड करना। आप चाहें तो पहले आलू भी डालकर एक दो बार फ्राई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ग्रेवी में पहले पानी ऐड करती हूँ और बाद में आलू को ऐड करती हूँ। और इसी ग्रेवी में अब आपको जो है मोटी वाली जो हरी मिर्च आती है दोस्तों मार्केट में मिलती है वो यहाँ पर ऐड करनी है। मोटी वाली हरी मिर्चों को नॉर्मली रफली चॉप करके डालना है। इस हरी मिर्च से आता है बिल्कुल हलवाई वाला स्वाद। इसके साथ ही साथ एक और चीज है, वो है दोस्तों चाट मसाला। चाट मसाला भी आपको ऐड करना है, हरी धनिया की पत्तियां भी ऐड करनी है और चाट मसाले से ही हमारी सब्जी में आता है बिल्कुल हलवाई वाला स्वाद। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून चाट मसाला लेकर हम इस सब्जी में ऐड कर देंगे। अब ये सब्जी हमारी डन हो गई ग्रेवी में। अब हम डाल देंगे आलू और अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो बस एक सीटी पकाने की जरूरत है, हमारी आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी सी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप कढ़ाई या पैन में बना रहे हैं तो 5 मिनट ढककर सिम फ्लेम पर इस सब्जी को बना लीजिए, फिर आप देखेंगे कि कैसी बढ़िया सी लाजवाब सब्जी बनकर तैयार होती है इन कुछ एक दो तीन चीजों से जो हमने यहाँ पर इस सब्जी में ट्विस्ट दिया है। आप भी बनाकर इस तरीके से एक बार सब्जी जरूर ट्राई करिएगा, आपको ये सब्जी पूड़ी या पराठे के साथ बहुत ज्यादा मजा देने वाली है। तो रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्यों ना इस बार दोस्तों जब आप कढ़ी बनाएं तो कढ़ी पे लगाएं एक ऐसा तड़का जो आपकी कढ़ी को, आपकी पुरानी वाली स्वाद वाली कढ़ी को बढ़िया सा एक नया ट्विस्ट दे, नया स्वाद दे। चलिए देखते हैं कि वो तड़का क्या है। उस तड़के को सिर्फ आपको कढ़ी के ऊपर डालना है, कढ़ी को एंजॉय करना है। आप देखेंगे कि आपकी पुरानी वाली बोरिंग कढ़ी का स्वाद एकदम चेंज हो चुका है। कढ़ी के तड़के के लिए हम यहाँ पर पैन लेंगे। एक बात और आपको बताती हूँ कि जो तेल हम पकौड़ों को तलने में यूज करते हैं वही वाले तेल से हम यहाँ पर तड़का लगाएंगे। तो है ना ये छोटा सा बढ़िया सा ट्विस्ट, उस तेल का यूज भी होगा साथ ही जो है आपके कढ़ी के तड़के में आएगा बहुत बढ़िया सा स्वाद। तो वही तेल लेना है, अलग से कोई भी तेल ना यूज करें। तो इस तेल को हम पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद से इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। और हींग अगर आपकी ज्यादा फ्लेवर वाली है तो आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, लगभग 1/2 टीस्पून कुटी हुई धनिया के बीज। दी हाँ, धनिया के बीजों को लेकर कूट लिया गया है और उसको डाला गया है। साथ ही बहुत थोड़ी सी सौंफ है, थोड़ी सी अजवाइन है और उसके बाद से बारीक कटी बहुत थोड़ी सी 1/4 प्याज का हिस्सा आप मान सकते हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। प्याज को अब करेंगे हम थोड़ा सा फ्राई। फ्राई को हम मतलब प्याज को हम गोल्डन कर लेते हैं। और इसके बाद से गए हैं 4 से 5 करी पत्ते। करी पत्तों को पहले ना डालें, उससे करी पत्ते जल जाते हैं, प्याज के बाद ही ऐड करते हैं तो करी पत्ते भी अपना फ्लेवर काफी अच्छा देते हैं तेल में। अब जब प्याज और करी पत्ता फ्राई हो जाए तब आप इसमें डाल सकते हैं मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपके घर में खाया जाता हो उतना ही मिर्च हम यहाँ पर ऐड करेंगे।
अब मैंने क्या किया है, तड़के वाली गैस को बंद कर दिया है। गैस बंद करके जब तड़का हमारा हल्का सा ठंडा हो जाए 2 से 3 सेकंड, तब आपको करना ये है कि इसमें डालना है गरम मसाले का पाउडर और सूखी लाल मिर्चें। सूखी लाल मिर्चें आप डाल सकते हैं, एक या दो, जितने भी आपको पसंद हो, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि आपकी कढ़ी को देगा एक बेहतरीन सा कलर। तो इस तड़के को मिलाइए, और चूंकि तेल हमारा हल्का सा ठंडा हो ही चुका है, तो इस तड़के को अब हम डाल सकते हैं अपनी कढ़ी के ऊपर। उसके बाद एक और छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आपके पास हरी धनिया की पत्तियां हो तो आप जो कढ़ी आपकी तैयार है उसमें आप पहले डाल दें, जिससे कि धनिया की पत्तियां कढ़ी में अपना फ्लेवर दे दें। इस धनिया की पत्ती को तड़के में बिल्कुल भी मत डालिएगा, पत्तियां जल जाती हैं। और अब इस कढ़ी में हम डालेंगे अपना तैयार किया हुआ तड़का, 2 से 3 चम्मच, जितना भी आपको पसंद हो टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस इस कढ़ी तड़के को एंजॉय करिए राइस के साथ या फिर रोटियों के साथ। कभी कभी फ्रेंड जब हम लोग चावल बनाते हैं, स्पेशली खुले बर्तन में, तो चावल हमारे थोड़े से गीले हो जाते हैं, ऐसा लगता है उनमें पानी है। और जब हम गैस पर रखते हैं तो क्या होता है, चावलों के जलने का डर होता है। उसके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप चावल के ऊपर ब्रेड का एक टुकड़ा, जी हाँ, सिंपल इस तरीके से ब्रेड का एक टुकड़ा रख दें और चावल को आप 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। या तो आप ढक कर भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 5 मिनट के बाद आपको इस ब्रेड के टुकड़े को निकाल कर चावल में से अलग कर देना है। इस ब्रेड के टुकड़े को आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद से जब आप देखेंगे चावल, तो चावल आप देखेंगे कि इनका पानी पूरी तरह से सूख चुका है, क्योंकि जो ब्रेड होते हैं वो चावल का एक्स्ट्रा पानी जो है वो ऊज आउट कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर आपके चावल हो जाते हैं एकदम खिले खिले, एकदम बढ़िया शानदार से। तो ये रेस्टोरेंट जैसे चावल बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।